वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोठी भी आई हुई है और बिलंगू भी इकट्ठा हो चुका है। तो अभी चलते हैं, हम शिकंजी बनाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बिलंगू निकाल के रख दिया। पहले इनको पुसा किया, पुसाई हूँ पानी में, तो फिर यहाँ पे ठंड का है, तो आप देख सकते हैं निकल आया है। तो अम्मी गिलास ले दो ना, मैं अभी गिलास में डालूंगी, तो फिर उसको मिक्स करूँगी, तो फिर चीनी भी डालूंगी, तो फिर ये जब फूल जाएगा तो फिर हम चेक करके आप लोगों को बताएंगे। तो पेड़ वैसे शेब ने बना के अपना रखा है, उसका देखें, आपको देखें उसका अभी पुसा के ठंडा हुआ है देखिए। और मैं अभी यहाँ पुसा के रख दूंगी। मैंने ना हमने चुनना है शेब और मैंने और शेब के वो दोस्त भी थे कुछ। आप देख सकते हैं मैंने अपना पुसा के रख दिया है। तो अभी शेब का देखिए फूंड आया है, कलर भी चेंज कर दिया ऊपर से। अभी इसको मैं मीठे में घोल रही हूँ। आप देखिए ये जो बाहर आया, ये देखिए इतना आ गया है। अब देखिए फिर दोबारा भी ये मोटा है। जो मैं आपको दिखाती थी वो ये बना हुआ है, तो अभी मैं पी के आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छा बना है, इतना टेस्टी बना है। माशाल्लाह से ऊँट आए हुए हैं, क्योंकि ये बट्टू खाने आते हैं ना, इसलिए तो बट्टू खाने आए हैं। बड़े बड़े हैं, डर भी लगता है। देखो साथ में छोटा भी खड़ा है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। डर लगता है, मैं तो भाग रही थी। तो सारा सामान अम्मी ने निकाल दिया है, तो अभी अम्मी आटा गूंद रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैंने सामान निकाल के रख दिया है। फातिमा तुम धनिया पी, तो मैंने सोचा चलो सालन बनाने से पहले ना आटा गूंद लेती हूँ। और ये देखें, ये ना बेर खा रही है। भला इस टाइम बेर खाते हैं फिर पेट में दर्द हो जाएगा इसके। अब बेर साफ हो गए हैं। पहले पहले शुरू में ना मौसम नहीं थी ना, इसलिए मौसम नहीं थी बेरों की, तो वो खराब होते थे। अब जैसे ही मौसम आ गया बेरों की, तो बेर बिल्कुल भी साफ हो रही हैं। फातिमा बाहर चली गई है, भाग गई है, पता नहीं क्या है। वो बेर असल में ना ऊपर से जो इनके हमसाए मतलब कि इनके कज़न हैं साकिब और जुहेब, ये सब ना बेर को झुना दे रहे हैं, तो इसलिए वो भी चुनने फिर चली गई है। पहले तो एक आध बेर उसके पास था, वो कह रही है आप ऊपर से नए नए ताज़े आएंगे तो वो लेने चली गई है, भाग गई है। शुएब भी उनके साथ हैं। आज शुएब ना देखें ये चिकन लेकर आया है, तो उसने कहा है कि एक महीना तो हो गया है, पहले भी मैं 8 दिन उधर चला गया था फिर भी आप लोगों ने नहीं बनाया। तो फातिमा भी थोड़ी परेशान थी, वो कह रही थी कि एक महीना हो गया है हमने चिकन नहीं बनाया। वैसे हमने शुएब को कहा नहीं था कि आप चिकन लेकर आएँ, हमने तो उससे कहा था कि कोई भी सब्ज़ी लेकर आ जाना, फिर वो अपनी पसंद से लेकर आया है, फातिमा की पसंद भी है, चलो सब और फैमिली भी खुश हैं, चलो आज बना लेंगे। वैसे मैं हम गई तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इतना ज़्यादा इसलिए ज़्यादा हम वैसे में 1-2 महीने के बाद लेते हैं, महंगा है ना, सब्जियां भी महंगी हैं, जो गोभी होती है आलू होते हैं ये कुछ सस्ते हैं मिल जाती हैं। आज बादल ऐसे बने हुए हैं जैसे अब मौसम है ना आंधी आंधी की,
तो इस महीने में आंधियाँ आती हैं, जैसे गंदम पक जाती है ना, फिर इस तरह बादलों को देख के ना, इधर से जो हमारे हमसाए थे ना, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना बिलंगू काट के रख दिया है। अभी तो उन्होंने निकलवाया नहीं, ऐसे ढेरियां बना के रखी हुई हैं, क्योंकि बारिश में ना बिलंगू का खतरा होता है, मगर गंदम को कुछ नहीं होता। गंदम माशाल्लाह से इस साल ना बहुत अच्छी है, ज़्यादा बारिशें नहीं आई और आंधियाँ भी नहीं आई, पक गई है। हमारे मसाले को भी तड़का लग चुका था, तो इसमें मैंने चिकन भी डाल दिया है और आलू भी डाल देती हूँ। अभी ना फातिमा ऊपर गई हुई है दीवार के ऊपर, क्योंकि ना बारिश का कोई पता नहीं है, वो जो बिलंगू उन्होंने काट के रखा हुआ था ना, उसको ढांप रही है। तो आप देख सकते हैं बिलंगू को ढांप लिया और वहाँ पर झांप रहे हैं, बारिश का कोई खतरा नहीं है ना, इसलिए तो बारिश का कोई पता नहीं है कि खतरा नहीं है, पता नहीं, खतरा पता नहीं है, आज गिर रहा है इसलिए उनको तो पता आता है, वो खबरों पर देखते हैं ना, इसलिए तो इसलिए वो झांप रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी सालों की मेहनत जाया ना हो जाए। हाँ जी, मैंने कैमरा उठाया ना, आगे ला जाती है आगे से। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कैसे होंगे। तो काफ़ी अरसे बाद हमने आज गोश्त बनाया, तो क्योंकि माह रमज़ान आ रहा था, तो उसने हमने कहा कि हम पहले से ही थोड़ा सा गोश्त ले ले, फिर माह रमज़ान में कब लेंगे, किस्मत होगी तो ले लेंगे, अल्लाह ताला करम करेगा। इतना अरसे बाद आज हम गोश्त बना रहे हैं, तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है भाजी, तंदूरी की रोटी और गोश्त का सालन बहुत ही वीआईपी कर जाता है, जो रोज हमें मिल जाता अच्छा होगा। यही बयान करते हैं, तो मैं अपने तमाम प्यारी बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जान है खुश रहें, बाद में अपनी फैमिली में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।